बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। सखी सरवर कस्बे का नाम हम सब ने सुना है। आज हम कस्बे की मुख्तसर तारीख और वहां पर मौजूद ज़ियारात की तफसील बारे बात करेंगे। सखी सरवर को हम तीन हिस्सों में तकसीम करने के बाद उनकी मुख्तसर तफसील बताएँगे ताकि पूरे इलाका को देख सके, क्योंकि 90% लोग बस दरबार की ज़ियारत करके वापस आ जाते हैं और खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर मकामात को मिस कर देते हैं। मुख्तसर हिस्ट्री के बाद आपको एडवेंचर से भरपूर इलाके की तफसील बताएंगे। डेरा गाजी खान से 35 किलोमीटर दूर कोह सलमान के दामन में कस्बा सखी सरवर में हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का 835वां सालाना उर्स आज कल जारी है। सैयद अहमद सुल्तान अल मारूफ लख दाता रहमतुल्लाह अलैह सखी सरवर 14 जिलहज 511 हिजरी को पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद अहमद सुल्तान था। आप रहमतुल्लाह अलैह का शजराए नसब 11वीं पुश्त से खलीफा चहारुम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। आपके अकीदत मंदों में मुसलमानों के अलावा सिख और हिंदू भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और अफगानिस्तान में भी उर्स मनाया जाता है। आपके खालाजाद भाई आप रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत से जलते थे, बिल आखिर इनको मौका मिला तो 22 रजब 577 हिजरी को उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बमाए अहलो अयाल शहीद कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह के चार दोस्त जिनके नाम इसहाक, उमर, उस्मान और नूर शाह थे, वो भी शहीद हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को बमाए अहलो अयाल चिल्लागाह के करीब दफन कर दिया गया और चारों दोस्तों को पहाड़ पर दफन किया गया। पहला हिस्सा सखी सरवर का दरबार और बाजार है। 90% लोग सिर्फ यही हिस्सा देखकर वापस चले जाते हैं। दूसरा हिस्सा सखी सरवर के दोस्त और उस्ताद जिनका दरबार पहाड़ के ऊपर है, जहां से पूरे सखी सरवर का दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। तीसरा हिस्सा पहाड़ों के दरमियान नदी से होते हुए गार की जियारत है, जहाँ सखी सरवर इबादत किया करते थे, जिसकी वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, और वहीं से दूसरे पहाड़ पर एक और दरबार की जियारत है। वैसे तो पूरा इलाका देखने वाला है, मगर तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप सखी सरवर जाते हैं तो 4 से 5 घंटे वहां रुककर सारे इलाके की सैर करें, फिर आगे फोर्ट मनरू जाएं। फोर्ट मनरू गरीबों का मरी कहलाता है। इसकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। Thank you.
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।